हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम अपने मेडिसिन रिव्यू के सीरीज में बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग की जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, खास करके अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है या उनको हार्ट से संबंधित कोई मेजर इश्यूज है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मैं बाकी चैनल की तरह आपको इसका यूज नहीं बताने वाला कि कितना ड्रग कितना लेना है, मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके डॉक्टर ने ये मेडिसिन दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यह मेडिसिन आपको दिया गया है, और यह मेडिसिन ऐसा क्या करता है आपकी बॉडी में जिससे आपको एडवांटेज होने लगते हैं, यानी कि इसके काम करने का तरीका, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि काफी कुछ आपके लिए बेनिफिट होगा। सबसे पहले अगर आप आज के इस कैप्सूल का ब्रांड नेम देखेंगे, जिसके नाम से डॉक्टर आपको लिखता है, जिसके नाम से आप मेडिकल स्टोर से इसे परचेस करते हैं, उसका नाम है, आप यहां पर देखिए, इकोस्प्रिन AV75। ये एक ऐसा ड्रग है जो काफी ज्यादा बिकता है क्योंकि इसकी वैल्यू भी उसी के हिसाब से। इकोस्प्रिन 75, इसका क्या मतलब है? इकोस्प्रिन AV75 यहां पे मतलब दिखाना चाह रहा है कि यहां पे एस्प्रिन एक कंटेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। 75 बोला जा रहा है मतलब ये उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवी कहा है इसका मतलब है ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके बॉडी में, ब्लड में बोला ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इनको कम करने के लिए यूज होने वाले ड्रग एटोरवास्टेटिन का रिप्रेजेंटेशन है, एब्रीवेशन मात्र है। तो ये इकोस्प्रिन AV75 क्या क्या ड्रग कंटेन करता है, क्या इसकी एक्टिविटी है, चलिए मैं उसको आपको धीरे से समझाना शुरू करता हूं। किसी भी ड्रग का नाम, जेनरिक नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे आप पैरासिटामोल बोलो, एस्प्रिन बोलो, एक्लोफेनिक बोलो, ये उनके नाम है जो कैटेगरी वाइज अलग अलग होते हैं। यही नाम हमको समझने होते हैं, इन्हीं नाम का काम हमको समझना होता है, लेकिन इसके ब्रांड नेम जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आप देखोगे एटोरवास्टेटिन या फिर आपके एस्प्रिन का, तो यहां पे नाम दिया गया है ना इकोस्प्रिन। अगर यही कंटेंट, यानी कि आपका एटोरवास्टेटिन और एस्प्रिन दूसरी किसी कंपनी की होगी, या आपके यूएसवी फार्मास्यूटिकल्स का है, ये किसी दूसरे कंपनी की होगी, तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है, वो एटोरवार रख सकते हैं या कुछ और रख सकते हैं, लेकिन इनके कंटेंट तो बिल्कुल सेम होंगे। सो हमको फोकस करना होता है उसके सॉल्ट फॉर्म पे, उसके एक्टिव फॉर्म्स पे, उसके मेन इंग्रेडिएंट पे। यहां पे मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? ईच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेंट, ये जो दवाइयां आप ले रहे हो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में पैक है। सब जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया है। हार्ड मतलब इसके कैप और बॉडी दोनों होगी, जो हम लोग डब्बा देखते हैं जनरली आवाज आती है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कहलाता है, और जो सॉफ्ट होता है जिसको दबाने से सॉफ्टनेस लगता है, पुदीना रखा आपका जो पर्ल है, वो कहलाता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो इस कैप्सूल में क्या क्या मिलेंगे आपको? मिलेगा एटोरवास्टेटिन कैल्शियम IP। एटोरवास्टेटिन एक ऐसा क्लास का ड्रग है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेटिन कैटेगरी का, इसीलिए इसके नाम में स्टेटिन वर्ड लग रहा है। इस स्टेटिन कैटेगरी का ड्रग का एक और नाम होता है, एकदम सिंपल सा है, वह HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर, यानी कि ये उसकी कैटेगरी। कैसे काम करता है समझाऊंगा आपको, मैं अभी कंटेंट बता रहा हूं। इसका जो कंटेंट है वो 10 mg है, 10 मिलीग्राम इसमें कंटेंट करता है। दूसरा है आपका एस्प्रिन, एस्प्रिन की जो कंसंट्रेशन है यहां पे यूज की गई है वह आपका 75 mg। सो यहां पे 75 mg एस्प्रिन, जो कि NSAID कैटेगरी का ड्रग है, तो यहां पे दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, कोई सिंगल ड्रग नहीं है। इसके अलावा यहां पे यूज किया गया है एक्जिपेन को, जिसका काम होता है कि केवल ड्रग के बल्क को बढ़ा दिया जाए, जिनकी खुद की कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। यहां पे डोज के रेस्पेक्ट में यह बोला गया है कि यह आपको आपके डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है ये लाल पट्टी, मैंने समझाया भी है इसको पहले वीडियो में, ये शेड्यूल H को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें कोई भी ड्रग जो इस लिस्ट के अंदर होगी उसे आप खुद से नहीं परचेस करके खरीद करके यूज कर सकते। इसको लेने के लिए डॉक्टर की एक वैलिड पर्ची होनी चाहिए, तभी उस पर्ची के रेस्पेक्ट में मेडिकल स्टोर वाला आपको मेडिसिन डिस्पेंस करेगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगी। इसमें कई अलग अलग कंडीशन दिखे गए हैं कि इसको कैसे स्टोर करना है, टेम्परेचर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर एक्सीड नहीं होने देना है, कूल और ड्राई प्लेस पर रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ये सब चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, नॉर्मल चीजें हैं। अब देखिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कंटेंट हमने बता दिया, कंपनी मैंने आपको बता दिया, यूएसपी, बाकी चीजों को आप देख लीजिएगा। मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये जो एटोरवास्टेटिन है और ये जो एस्प्रिन है वो क्या, कैसे, किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटोरवास्टेटिन की, जो कि एक स्टेटिन कैटेगरी का ड्रग है। इसके काम करने का तरीका होता है HMG
कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट करके अपना मैकेनिज्म शो करना। देखिए, अब आपको डॉक्टर ने ये मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब करी है, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो गया है, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में ज्यादा होगा तो धीरे धीरे ब्लड में जमने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेरोमा, इसके प्रोसेस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जमने लगेगा तो आपके ब्लड के फ्लो में रुकावट आएगी, ब्लड के फ्लो में रुकावट आएगी मतलब आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसके भी फ्लो में रुकावट आएगी और वो आपको फिर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, वो अल्टीमेटली हार्ट पेन या तो फिर हार्ट अटैक में आ सकता है। ये ना हो इसीलिए हमको इसको ट्रीट करना जरूरी है और इसको ट्रीट करने के लिए एट्रोवर्सेटिन ड्रग को लिया जाता है। कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं, पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। एक सिंपल सा एक पाइप है, आपके कार्डबोर्ड का पाइप है, खोखला है ना, आप इसके तरफ देख सकते हैं। इमेजिन करिए कि ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, इसी में से खून मूव कर रही है, पूरे शरीर तक सर्कुलेट हो रही है। अगर इसके बीच में कोई रुकावट आ जाए, मैं कोई कागज का टुकड़ा ले लूं, इसको बीच में यहां पर फंसा दूं, थोड़ा सा जगह रहने दूं, उसके बाद इसमें आप पानी या हवा को फेंकोगे तो आपको पता है कि अगर यहां पर जाम हो गया कुछ तो पानी फ्लो अच्छे से नहीं होगा और ये रुकावट कॉज करेगी और उससे जो पीछे का संरक्षण है वो लूज हो जाएगा। यही चीज अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा होगा, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL ज्यादा होगा तो वो जमने लगेगा और वो फ्लो नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा तो हार्ट पे दबाव आएगा और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो सकता है आपके हार्ट अटैक की मेजर प्रॉब्लम में, या तो फिर जो आपके मेजर प्रॉब्लम होते हैं पेन एसोसिएटेड विद हार्ट वो आपको देखने को मिल सकता है। इन सब के पीछे कारण होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके लीवर में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करके अल्टीमेटली इसे LDL और VLDL में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो उस एंजाइम की वजह से ये डिपोजिशन स्टार्ट हो रहा है, सो हमारा ये जो ड्रग है स्टैटिन कैटेगरी का ड्रग उसी को इनहिबिट कर देता है। So, वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो जो डिपोजिशन ऑफ LDL था वो नहीं होगा आपके ब्लड वेसल्स में, वो नहीं होंगे तो आपके ब्लड के फ्लो में रुकावट नहीं आएगी, परसिस्टेंस पेन का एहसास हमको नहीं होगा और इस तरीके से हम धीरे से उस चीजों को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये ऐसे काम करता है, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल को, तो ये आपके लिए अच्छा ही हो गया। दूसरा, इसमें जो कंटेंट है एस्प्रिन का, ये दो अलग अलग तरीके से काम करता है, हालांकि इसका काम आज के इस एसोसिएटेड विद कॉम्बिनेशन के फॉर्म में थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन जानना तो सबको चाहिए आपको। ये जो एस्प्रिन है ये एग्जांपल है आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी कि ये NSAID कैटेगरी का ड्रग है, दर्द को ठीक करने वाली, बुखार को ठीक करने वाली, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने वाली कैटेगरी की ड्रग है। ये इसके साइड इफेक्ट एक और है, इसका साइड इफेक्ट है कि ये ब्लड को थिन करता है, ये क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है, तो वो एक्चुअली में NSAID कैटेगरी का साइड इफेक्ट है, बट हमने इसके साइड इफेक्ट को यूज कर लिया यहां पे मेन। सपोज एक कंपनी ने एक ऐसा ऑयल बनाया है जो ये कहता है कि इसको बाल में लगाओगे तो बाल घने हो जाएंगे, गलती से उसमें ऐसा हो गया कि उसको लगाने से पूरे बाल साफ हो गए, तो अब इसका क्या करें? अब इसका मिसयूज तो है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं, अब इसको अब रिप्रेजेंट कर दो ऐसे ऑयल के रूप में जो कि हेयर को रिमूव करता है। सो आपका साइड इफेक्ट था कि आपने बाल लगाने में इरिटेशन किया, उसको आपने यूज बदल दिया, तो यहां पे इसको जो एस्पिरिन का एक दूसरा इफेक्ट है ब्लड थिनिंग के रूप में, वो यहां पे हम यूज कर रहे हैं। अगर आप ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हो तो वहां पे वो दिक्कत कॉज करेगा, लेकिन यहां पे वो लाभ होगा। तो डिपेंड सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है कि कब धूप कब छांव वाला केस में हो जाता है, तो ये तो यहां पर हम इस चीज को यूज करने वाले। ये जो एस्पिरिन है NSAID कैटेगरी के होने के साथ साथ ये आपके जो क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स हैं उनको कम करता है, जो ब्लड की थिकनेस बढ़ गई है, विस्कोसिटी बढ़ गई है, इसको कम करने का काम करता है, क्योंकि भैया ऑब्वियसली कि ब्लड क्लॉट होगा तो रुकावट कॉज करेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था पाइप एग्जांपल में, तो क्लॉटिंग को इनहिबिट करते हैं। इसके पीछे कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, थ्रोम्बोक्सिन काम कर सकता है और उसके साथ साथ कॉक्स जो है आपका काम करता है, तो कॉक्स वन एसोसिएटेड हमारे जो फंक्शन है इसको ये कम करता है, इससे क्लॉटिंग बंद हो जाती है। तो ये दो दो ड्रग आपके एटोरवास्टेटिन और आपके एस्प्रिन इसी तरीके से ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसके में हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसके में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक आ रहा हो, तो उसके लिए ये काफी यूजफुल है, ये जान बचाने वाली दवाई है। लेकिन इसका यूज आप अपने मन से बिल्कुल ना करें, ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है और इसको आपको डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से ही काम करने। मैं डोज कभी नहीं बताता आपको क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक फार्मासिस्ट कभी आपको डोज ओपनली डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेशन को इंप्रूव कर सकता है और हम कभी भी सेल्फ मेडिकेशन को सपोर्ट नहीं करते। So friend, that's all for the day. Thank you so much for watching this video. उम्मीद करता हूं कि ऐसी बेसिक जानकारी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, जनरल पब्लिक हैं और अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। MBBS वाले हैं तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।